दोस्तों दबाइए ये लाल बटन और उसके बाद ये बेल आइकॉन सब्सक्राइब करने के लिए नो द बेस्ट को, और देखते रहिए मेरा वीडियो सबसे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे अपने बार्स के साथ। तो दोस्तों मेरा आज का जो वीडियो है ये एक सुपर फूड के ऊपर है बार्स के लिए, जिसको हम पालक कहते हैं या स्पिनच कहते हैं। तो बहुत दोस्तों के मन में सवाल था कि क्या पालक क्या करते हैं या स्पिनच क्या करते हैं बार्स के लिए, तो दोस्तों आज ही मैं वो क्लियर करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी चाहते हो कि बार्ड्स को अच्छा अच्छा खाना दो अपने बार्ड्स को, कि वो ठीक तरह से ब्रीडिंग करे और उसका पौष्टिक आहार ठीक तरह से हो, उसको हेल्दी रहे। तो दोस्तों बहुत कुछ ढूंढने के भी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ फूड जो है वो आप चूज़ कर लो, ठीक है। मैंने बहुत बार ये बोला है कि ज़्यादा मत देखो, ठीक है, कुछ फूड्स जो है आप चूज़ कर लो और उसे घुमा फिरा के वो अप देते रहो ना, तो इससे आपके बार्स ठीक तरह से ब्रीडिंग करेंगे, उसका हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों जो मैंने सुपर फूड बोला है उसमें एक है स्पिनच या पालक जिसको कहते हैं। तो दोस्तों ये कितना अहम है बार्स के लिए आप सोच भी नहीं सकते, ये एक जो फूड है ये सब कुछ कर देता है बार्स के लिए। तो दोस्तों क्या है पालक में जो बार्स इतना हेल्दी रहेगा या ब्रीडिंग करेगा? तो देखिए पालक में विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B2, B6, विटामिन ई, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बहुत ही रेयर है कोई भी फूड्स में, बहुत कम फूड्स है जिसमें ये रहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, और बहुत सारा प्रोटीन रहते हैं। तो कितना सारा चीज़ है इस पालक में आप सोच लीजिए। अगर आप देखें तो 100 ग्राम पालक अगर ले तो उसमें 2.9 ग्राम आप प्रोटीन उसमें पा जाएंगे, ठीक है, इतने हाई प्रोटीन है उसमें। फैट अगर देखें तो फैट 0 है। और दोस्त मैंने बहुत सारे वीडियोस में ब्रोकोली के बारे में बोला है, जो आप विंटर में पाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा फूड है बार्स के लिए ब्रोकोली। लेकिन स्पिनच अगर आप देखें तो स्पिनच उससे भी ज़्यादा अच्छा फूड है, क्योंकि ब्रोकोली में थोड़ा सा फैट रहता है लेकिन स्पिनच में कुछ भी फैट नहीं रहता, 0 फैट है स्पिनच में। और जो अगर फाइबर के बारे में आप देखें तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में फाइबर के बारे में बोला है कि बार्स का वो गट क्लियर रखता है। तो स्पिनच में भी इनसॉल्युबल फाइबर है, जो आप लोग ये सब गुला खाते हैं उसकी ही तरह इनसॉल्युबल फाइबर है, जो बार्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत क्लियर रखते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोल रहा हूँ स्पिनच का, तो आप समझ पाएंगे कि ये बार्स के लिए क्यों इतना अहम है। तो दोस्तों पहला है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो स्पिनच या पालक में बहुत सारा विटामिन ए, विटामिन सी, और जो सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन, ये रहता है। तो ये बार्ड्स के मूड को ठीक रखता है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे बार्ड्स होंगे कि उसका कोई रोग भी नहीं लगा है लेकिन वो चुपचाप बैठा रहता है, तो इसका मतलब है उसका मूड ठीक नहीं रहता है, वो डिप्रेस्ड है। तो स्पिनच का ये जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बार्ड्स के मूड को ठीक रखता है, और इसके अलावा भी वो वायरल और बैक्टीरियल जो डिजीज़ होता है दोस्तों उससे बार्ड्स को बचाता है। सेकंड है दोस्तों प्रोटीन। तो मैंने पहले ही बोला है बहुत हाई प्रोटीन है स्पिनच में, ठीक है, 100 ग्राम अगर स्पिनच ले उसमें 2.9 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो आप तो जानते हैं बार्ड्स के ब्रीडिंग के लिए ये प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है, मेटिंग टाइम पे या ब्रीडिंग सीजन पे। तो ज़रूर ब्रीडिंग सीजन के पहले से स्पिनच खिलाते रहे, विंटर और रेनी सीजन जो होता है बरसात के मौसम में ज़रूर स्पिनच खिलाए। तीसरा है दोस्तों आई हेल्थ, ठीक है। तो जियाजैंथिन नाम करके एक प्रॉपर्टी, एक मॉलिक्यूल है जो स्पिनच में रहता है, तो ये बार्स के आइज को अच्छा रखता है। मेनली जो हम आप लोग जानते होंगे आइज में जो रेटिना होता है ना जिससे हम देख पाते हैं, तो ये उसको ठीक रखता है और उसको हेल्दी बनाता है। तो बार्स के आई का जो प्रॉब्लम आता है जब बार्स एज्ड हो जाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसका आई प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये बार्स के आई को प्रोटेक्ट करता है। चौथा है दोस्तों विटामिन ए। तो बहुत सारे विटामिन ए होता है स्पिनच में, जो बार्स के फीदर फेदर और स्किन को ठीक रखता है और फेदर को शाइनी करता है। जो नेक्स्ट है विटामिन के दोस्तों, तो विटामिन के बार्स के बोन को अच्छा रखता है, जो बोन को बहुत हेल्दी बनाता है, और जो बार्स के हड्डियों का जो बीमारी होता है तो उससे उस बार्स को बचाता है।
और दोस्तों जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये बहुत ही रेयर है दोस्तों सभी वेजीज में, और कोई भी आप देख लो फूड्स में, बहुत कम फूड्स में ये रहता है। ये बार्ड्स के जो हार्ट है, हार्ट मसल को ठीक रखता है, और उसके ही साथ बार्ड्स का जो हार्ट अटैक का चांस रहता है दोस्तों। आप लोग जानते हैं बार्ड्स का हार्ट बहुत जल्दी चलता है, तो नाइट फाइट की वजह से बार्ड्स को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके चांस ये बहुत कम करता है। तो दोस्तों अब कब देना है आपको स्पिनच या पालक? तो दोस्तों विंटर और बरसात के मौसम में जब रेनी सीजन आता है तब ज़रूर पालक दीजिए हफ्ते में दो बार करके, क्योंकि बॉडी उस समय बार्ड्स का बॉडी ठंडा हो जाता है तो ब्रीडिंग नहीं करना चाहते। तो अगर बार्ड्स के बॉडी को आप थोड़ा हीट दे पाएंगे ना तो विंटर एंड आप अगर देखें रेनी सीजन जब बरसात का मौसम होता है तभी ब्रीडिंग करेगा, ठीक है। तो जो सर्दी का मौसम है या बरसात का मौसम है तब दीजिए, और ब्रीडिंग टाइम के पहले तो ज़रूर देना होगा, क्योंकि ये मेटिंग का जो आर्ज है वो थोड़ा बढ़ा देता है और ब्रीडिंग बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों इसको कब नहीं देंगे? तो अगर आपके कोई भी बार्ड्स को मोशन या कोई भी बीमारी लगा हो तो इसको मत दीजिए, क्योंकि ये बॉडी में हीट पैदा करते हैं, तो जो रोग लगा है ना तो ये और भी बुरा हाल लेगा अगर ये पालक आप उसके खिलाए। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है, तो आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आप लोगों को ज़रूर काम पे आएगा, और दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर वो लाल बटन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नो द बेस्ट को। तो देखते सुनते रहिए मेरा चैनल। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे 2-3 दिनों के बाद।